नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 1 11 में। मैं सतवत अब्बास। अब रुख करते हैं खबरों का। बेगूसराय में एनडीए की एक जनसभा में गिरिराज सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। गिरिराज की लड़ाई सीधे सीधे देश विरोधी शक्तियों से है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जनता को अब सबूत मांगने वाले लोग नहीं चाहिए, बल्कि भारत में अभिनंदन जैसा सपूत चाहिए। वहीं उन्होंने कन्हैया कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि कल तक जो देश विरोधी नारे लगाते थे, आज बेगूसराय से सांसद बनने का ख्वाब देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर भी जमकर हमला बोला। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार की 40 सीट पर एनडीए को जीतने का दावा भी किया है। तो हम लोगों ने कहा ये महाठगबंधन है, तो फिर हुआ ये महाठगबंधन भी नहीं है, महामिलावट है। जब महामिलावट कहा गया तो लोगों को बुरा लगा। ममता बनर्जी कलकत्ते में अपने पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए धरने पर बैठ गए, सारे महामिलावट का पहुंच गए, आंख का आंसू पोंछने लगे। जब राहुल गांधी अभी वोट मांगने गए, आग उगल रहे थे किस पर? ममता बनर्जी पर। ये महामिलावट की एक तरफ है जिसके पास कोई नीतियां नहीं है। नीतियां है मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। काहे के लिए हटाओ? ये चौकीदार ऐसा चौकीदार है, कोई जेल में है, कोई बेल में है, कोई जेल जाने की तैयारी में। अगर है हिम्मत तो 2014 के भारत की आर्थिक स्थिति पर चर्चा कर ले कि भारत में फॉरेन एक्सचेंज कितना था, आज कितना है। जब मैं आया, मीडिया वाले मुझे पूछ रहे हैं कि आपकी लड़ाई किससे है। मैं कहा कि मैं क्या कहूं, एक गांव की कहानी है, सात छोड़ी झूमर खेले लंगड़ी के है हम खेले। विश्वास आज नरेंद्र मोदी के प्रति है जनता का, मुझे पूरा विश्वास है। ये थेट्रोलॉजी और वोटोक्रेसी की राजनीति करने वाले लोग नरेंद्र मोदी के विकास के आगे घुटने टेके। जो भी लोग इस तरह के हैं समाज में, जो दुश्मन देशों के समर्थन में कभी बयान देते हैं, तो कभी भारतीय सेना के शौर्य पर प्रश्न उठाते हैं, भारतीय सैनिकों के सम्मान को चोट पहुंचाते हैं, वैसे लोगों को जनता चुनाव में चोट पहुंचाएगी। कहा ना कि एनडीए पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है, और नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी और रामविलास पासवान जी का जो नेतृत्व है, वह ताकत हमको इस सफलता को प्राप्त कराएगी। साफ इससे ज़्यादा क्या, वो हाथ उठा उठा के कार्यकर्ता, और दिल की बात है ना। देखिए विषय है, यह लड़ाई भारत की रक्षा से जुड़ा हुआ, यह लड़ाई भारत की विकास से जुड़ा हुआ, तो बेगूसराय की जनता भी तो इस देश की रक्षा और इस देश के विकास के साथ जुड़ी हुई है। तो रक्षा हो और विकास हो। मधुबनी में टिकट को लेकर राजद में खींचातान शुरू हो गई है। राजद कोटे से दरभंगा सीट के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी की उम्मीदवारी और मधुबनी सीट से वीआईपी कोटे में जाने की बात सामने आते ही वहां के पूर्व राजद सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी का धैर्य जवाब देने लगा है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ राजद से अलग होने के संकेत दिए हैं। वहीं उन्होंने मधुबनी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दरभंगा के अलावा मधुबनी से भी नामांकन करा सकते हैं। साथ ही बीएलए भी बनाया, बूथ कमेटी भी तैयार किया, जितनी भी तैयारी हो सकती थी वो पूरी की मैंने। और जब टिकट का बंटवारे की मीटिंग पहले तक भी मुझसे यही कहा गया कि आपका हो गया, मतलब अब कल जब सिंबल लेने का दिन था तो जानकारी मिली कि वो सीट दे दी गई गठबंधन में वीआईपी पार्टी, तो वहीं से फिर नहीं हुआ है। मेरे दिमाग में बात चली कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, तो मैंने लालू जी से भी बात किया, तेजस्वी जी से भी बात किया, तो मालूम यह पड़ा कि वही लोग जो जिन्होंने पिछली दफा मुझे चुनाव
दरभंगा में हराया था उन्हीं लोगों के साजिश से ये टिकट काटा गया और उसकी वजह से मिथिलांचल में जो गुस्सा है वो तो है ही है, साथ ही पूरे बिहार के मुसलमानों में खास तौर से बहुत गुस्सा है। पटना में बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कल इंटर का रिजल्ट जारी किया, जहां इंटरमीडिएट में टॉपरों की संख्या इस बार बढ़ती नजर आ रही है। इस बार पूरे राज्य में कुल 26 परीक्षार्थी टॉप हुए हैं, जिनमें सर्वप्रथम नालंदा से साइंस में छात्रा सुश्री रोहिणी ने बाजी मारी है। इन सभी स्ट्रीम्स में कई वर्षों का जब डेटा हम लोग एनालाइज किया तो यह पाया कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स इन सभी स्ट्रीम्स में किसी भी साल में 88 हाल के कई वर्षों में 88% से ऊपर किसी टॉपर के मार्क्स नहीं रहे। यहां तक कि पिछली बार जो बिहार बोर्ड की साइंस की टॉपर थी कल्पना कुमारी, जिसने पूरे देश में नीट में अव्वल स्थान प्राप्त किया था, वह हमारे बिहार बोर्ड की टॉपर थी, लेकिन उसके अंक मात्र 86.8% थे, अर्थात उसको भी 87% से अधिक नंबर नहीं मिले। इस आलोक में समिति द्वारा या पूर्व में ही निर्णय लिया गया था कि इस व्यवस्था को सुधार करते हुए इसमें और इसको बेहतर बनाया जाएगा। इस वर्ष CBSE एवं अन्य राज्यों में लागू मॉडरेशन पॉलिसी की तर्ज पर पहली बार बिहार बोर्ड में मॉडरेशन पॉलिसी लागू की गई और इसका परिणाम यह हुआ कि इस वर्ष बिहार बोर्ड में भी टॉपरों को काफी अच्छे अंक प्राप्त हुए। इस वर्ष जो हमारे तीनों संकाय टॉपर्स हैं, विज्ञान संकाय सुश्री रोहिणी प्रकाश, पिता का नाम श्री महेश प्रसाद और ये प्लस टू हाई स्कूल सर्वाधि नालंदा की विद्यार्थी हैं और इन्हें 473 अंक मिले हैं, अर्थात 94.6% मार्क्स टॉपर को मिले हैं इस बार। और प्रथम स्थान पर दूसरे विद्यार्थी रहे हैं श्री पवन कुमार, जिनके पिता का नाम श्री सुनील कुमार सिंह है और इन्हें भी 473 अंक के साथ पूरे राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। और आठ संकाय कला संकाय में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रही हैं सुश्री रोहिणी रानी। सुश्री रोहिणी रानी जो जिनके पिता का नाम श्री प्रदीप कुमार सिंह है और इन्हें 463 अंक प्राप्त हुए हैं, जो 92.6% है। साथ ही दूसरे प्रथम स्थान पर एक संयुक्त टॉपर बिहार में है श्री मनीष कुमार, जिनके पिता का नाम श्री विनोद पासवान है और ये गया के विद्यार्थी हैं, इन्हें भी 463 मार्क्स के साथ संयुक्त रूप से प्रथम। उधर रोहतास के सासाराम स्थित नई जीटी रोड पर गश्ती करने गए मोबाइल दरोगा के साथ मारपीट कर मोबाइल छीनने का मामला सामने आया है। वहीं घायल दरोगा को सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक बालू माफिया ने दरोगा के साथ मारपीट कर मोबाइल छीनने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। हम लोग रेगुलर चेकिंग में थे, करीब 7 बजे का समय था जब 3 गाड़ी मैंने दरिगो थाना क्षेत्र में पकड़ा था और पकड़ उसको लगाया और यूं ही रोड पे आ रहे थे तो एक गाड़ी जो कि मारुति स्विफ्ट डिजायर था और उन्होंने मुझे डैश करने का प्रयास किया और जब मैंने उनसे बोला तो उन्होंने गाली गलौज करने लगा। बाद में उन्होंने चेस किया और थाना को बुलाया, थाना को फोन किए जो जब उनको रोका गया तो फिर हमारे साथ हमारे गाड़ी के साथ काफ़ी मारपीट करने लगे। उसमें देख रहे हैं नॉर्मल इंजरी भी हुआ है और ये इंजरी भी देख रहे इसलिए हुआ है, ये होगी जो है ये घटाव किया है। बाद में चोट भी काफ़ी अंदर का है, चोट भी लगा हुआ है तो जब गोली मारने का ड्यूटी नहीं करने का ये सब धमकी दिया। बाद में थाना प्रभारी भी मुझे आए कि वो आदमी पटना से सटे नौबतपुर थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। वहीं घायल का इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष कमलेश्वर प्रसाद पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और मामले के जांच में जुट गए। हम सुगन सिंह, हमने जो खेत देते हैं, अच्छा। हम लोग को पट्टा लगाते हैं मेरे ससुर और हम लोग खेत में लगाते हैं तो उन लोग का मतलब है कि माता यहाँ पर उन लोग
इसीलिए कहते हैं हम लोग के घर में आते हैं तो लोग अच्छा नहीं लगता, वो तो माता यहाँ घर उनको छोड़ाना चाहते हैं, हम लोग को खेत देते तो हमको भी सोचते कि खेत मत दें। ये सोच के हम लोग घर में आते तो गोली 7-8 को घर से भी पास चलाए, हम लोग बाल बच्चे बच गया और वो हमारे घर में घुस के मारने लगे। हम बोले कि हमारे घर में आते हैं हम लोग के हमारे घर आते हैं तो हम मारे ना तो उसका नाम है पिंटू है, उपेंद्र है और उपेंद्र का छोटा वाला भाई सेठ का नाम है। और तो नालंदा जिले में शराबबंदी के बाद भी बैंक कर्मियों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक सिलाव के पंजाब नेशनल बैंक सिलाव शाखा के पीओ हेड कैशियर समेत 3 बैंक कर्मी को ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक के कैशियर समेत 3 कर्मियों को पकड़कर मेडिकल जाँच के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 11। नमस्कार। को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।